माशाल्लाह, ये कितना प्यारा प्रिंट लग रहा है इसमें। और ये भी माशाल्लाह, वाह कितना खूबसूरत प्रिंट है, सिंपल सा। और ये देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर, इतना सॉफ्ट भी है और लाइनिंग्स मार्बल टाइप आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और ये प्रिंट कितना अच्छा लग रहा है। सो सारे प्रिंट्स, इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स कैसे बनते हैं, कौन बनाता है? Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. This is Binte Munir. Well, I hope you are well. So, आप भी अगर इस तरह कंफ्यूज हैं, इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स जो हम पहनते हैं, हम रोज मॉल में देखते हैं, ब्रांड्स के इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स आते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये कौन डिजाइन करता है, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अपने टेक्सटाइल असाइनमेंट्स भी दिखाऊंगी और उसके साथ साथ हमारे जो टेक्सटाइल मोटिव्स के 7 रिपीट्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये हमारा है टेक्सटाइल का फर्स्ट मोटिव। हमारे टेक्सटाइल में बेसिक 7 रिपीट्स होते हैं, 7 मोटिव्स होते हैं, उन मोटिव्स को यूज़ करके हमारे कपड़े के प्रिंट बनते हैं डिफरेंट डिज़ाइन और स्टाइल में। तो ये हमारा सबसे पहला नेटिव अमेरिकन मोटिव्स है। इसमें ये क्या होता है कि अमेरिकन के अमेरिका के मकामी मोटिव्स होते हैं, जिनमें इनके ये सिंबल्स, इनके ये मोटिव्स का कोई ना कोई मीनिंग होता था। और जो स्टार्टिंग में, शुरू में जो यूज़ किए जाते थे मोटिव्स, एग्जैक्टली अब सेम चीज़ वो यूज़ नहीं होती जो पहले यूज़ हुआ करती थी, बट अभी भी है। इन्हें इंडियन अमेरिकन मोटिव्स भी कहते हैं। सो आपको मेरी स्क्रीन पे इसके मोटिव्स के एग्जांपल नज़र आ रही होगी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये नेटिव अमेरिकन के डिफरेंट किस्म के मोटिव्स होते हैं और डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो होता है ना, वो इन्हें डिज़ाइन करता है। डिज़ाइनर अपनी मर्जी, अपने एरिया और जो वेदर होता है और जो लोगों की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग एक मोटिव सिलेक्ट करता है, और वो एक मोटिव किस पैटर्न से कपड़े पर रिपीट करके उसको प्रिंट आउट किया जाता है, ये हर मोटिव्स का अपना अपना रिपीट होता है। सो नेटिव अमेरिकन मोटिव्स में जो है फुल ड्रॉप रिपीट होता है। लाइक आप जैसे ये एक हमने पैटर्न कपड़े का एक पीस टाइप से ना ये तैयार किया है, हमें ये सबसे पहले 3 बॉक्सेस में अलग-अलग एक ही मोटिव जो हम सेलेक्ट करते हैं उसको डिफरेंट कलर्स में हमने उसको पेंट करना होता है, और उसमें से जो सिलेक्ट होता है हमारा, तो वो हमारी मैम कहती थी कि वो हमें पूरा एक मोटिव तैयार करना है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं फुल ड्रॉप रिपीट में जो होता है ना, यानी वो पूरा का पूरा सेम रिपीट होता है और इक्वल रिपीट होता है। इस एंगल से भी देखिए या इस एंगल से भी, वो सेम चीज़ जो मोटिव जिस डिज़ाइन से स्टार्ट किया है, जब हम उसको रिपीट करते हुए अपने पूरे कपड़े को प्रिंट करते हैं तो वो सेम चीज़ आती है उसमें। इसके बाद हमारा दूसरा रिपीट स्टार्ट होता है। ये मुझसे बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि सेम पेज पे मुझसे ये डिज़ाइन हो गया था। सो ये है हमारा फ्लोरल डिज़ाइन। फ्लोरल ऑब्वियसली फूल वाले को कहते हैं, इसे पता ही चल रहा है। इसमें फ्लावर्स वाले डिफरेंट किस्म के मोटिव्स होते हैं, वो हर किस्म का फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं मोटिव्स में। और ये होता है हाफ ड्रॉप रिपीट, सेम लाइक हमारा जो है ये चीज़ होती है डिज़ाइन, और उसमें से एक सिलेक्ट होता है जो हमने एक पूरा रिपीट बनाना होता है। सो इसमें आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर्स जो है ना वो सेम इक्वल में नहीं है जैसे हमारा नेटिव अमेरिकन में था, बल्कि ऊपर नीचे है। ये थोड़ा ऊपर जा रहा है तो ये लाइन में थोड़ा नीचे आ रहा है, तो ये होता है हाफ ड्रॉप। ये रिपीट इस तरह से रिपीट जो होती है, ये रिपीटिंग करके पूरा पेपर पैटर्न होता है। फ्लोरल में आप किसी भी किस्म के फ्लावर को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा तीसरा आता है ब्लू पॉटरी। दिस इज़ माई फेवरेट वन, आई लव दिस, क्योंकि मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ और ये सारी मुल्तान और बहावलपुर की सारी उनकी कल्चरल थिंग्स हैं। हमारे बर्तनों पे डिज़ाइन होते हैं डिफरेंट किस्म के, वाजेस पे, इवन के जो है ये मॉडर्न ड्रेसेस में भी इसको यूज़ किया जाता था, ज्वेलरी बनी थी बहुत ज़्यादा, ये हमारे फैशन डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ किया गया, इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया।
बट आई डोंट नो कि किस तरह से ये एकदम फ्लॉप हुआ और उसके बाद ये बंद हो गया। अब इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो है इसमें आना शुरू हो गया है मार्केट में। सो ब्लू पोट्री में भी आपको आपकी स्क्रीन पे इसके डिफरेंट किस्म के मोटिव नज़र आ रहे होंगे, और ब्लू पोट्री में डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और ये ब्राउन, लाइट ब्राउन और ये इस तरह के कलर सारे यूज़ होते हैं। और ये रिपीट जो होता है वो ब्रिक्स रिपीट होता है, यानी लाइक वो ब्रिक्स हमारे होते हैं ना आगे पीछे करके, जैसे ईंटें इन दीवार होती है आगे पीछे करके, जिसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा। और इस रॉ में होता है ये सारा इस पैटर्न पे कि एक इधर गई फिर ये फुल आई और यहाँ दूसरी वाली उसके यहाँ स्टार्ट हुई, तो ये सारा ब्रिक्स वाला स्टार्ट होता है, ये ब्रिक्स रिपीट होते हैं। एंड इसके बाद फॉरेस्ट थीम, फॉरेस्ट में भी आपको पता ही चल रहा होगा कि इसमें भी देखिए ये सारा फॉरेस्ट जंगल का है, फूल पौधे जंगल टाइप सा प्रिंट आता है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हमारे ये कुर्तीज़ में प्रिंट चला था कि वो पूरी पूरी ग्रीनरी सीनरीज टाइप से वो हमारी शर्ट्स पे प्रिंट किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा ये चला था। तो इसी तरह अब यहाँ से हमें पहले तीन डिज़ाइन बनाने होते थे, इन तीनों में से एक डिज़ाइन सिलेक्ट करती थी, फिर हम उस डिज़ाइन जो कुछ सिलेक्ट होता था फिर उसको थ्री स्टाइल कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में हम उसको कलर करते थे, फिर जो एक सिलेक्ट होता था वो हम उस पैटर्न में तैयार करते थे। सो ये होता है डायगोनल रिपीट, यानी इस शेप में आपका होता है और इसकी ऐसे आती है रिपीटिंग, ऐसे होती है कि कपड़े को इस तरह से रखते हैं, ठीक है। ये डायगोनल शेप में सारा रिपीट बनता है आपका, और इसमें आप फॉरेस्ट के कोई भी थीम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पेजली थीम, ये अनियन शेप्स टाइप में होता है। इसमें आपको मेरी डिज़ाइंस नज़र आते होंगे, आ रहे होंगे कि मैंने ये सारे डिज़ाइंस जितने भी बनाए हैं, सो ये देखिए अनियन शेप में वो जो इस तरह के बनते हैं ये उसी तरह के हैं, बट मुझे तो ये दूसरे पसंद आए थे और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पता नहीं मैम ने ये क्यों पसंद कर लिया। तो और इसमें मुझे दिया भी ए है, ए ग्रेड मिला, और ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। और मेरा सबसे फेवरेट थीम आ रहा है विंटेज थीम, तो इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने ये थ्री डिफरेंट डिज़ाइन पहले स्केच किए हैं, उसके बाद उनमें से मैम ने जो एक ये सिलेक्ट किया तो इसको मैंने थ्री कलर्स में कलर डिज़ाइन किया और फिर फाइनल ये कलर सिलेक्ट हुआ, और मुझे भी ये बहुत पसंद था और ये मेरा फेवरेट थीम है, फेवरेट कलर ये प्रिंट बना है और इसमें भी मुझे ए मिला है। वेल, ये हमारे 7 रिपीट्स कंप्लीट हो गए, और ये रैंडम रिपीट्स होता है। रैंडम में क्या होता है कि किसी भी रूप को आपका जा रहा है इधर को इधर इधर, मतलब आगे पीछे, रैंडमली आप उस मोटिव्स को उस कपड़े पे प्रिंट करते हैं, यूज़ करते हैं। ओ यस सॉरी, इसके बाद जो है हमारा एक थीम और रहता है जो हमारा लास्ट रिपीट है, 7th इजिप्शियन थीम। इसमें हमारा मिरर रिपीट होता है, ये हमारे डिफरेंट किस्म के इजिप्शियन मोटिव्स बने होते हैं और इस इन मोटिव्स को हम एज मिरर रिफ्लेक्ट के यूज़ करते हैं। लाइक हम लोग जब मिरर में सामने खड़े होते हैं तो हमारा सेम रिफ्लेक्ट हमारे सामने ही आ रहा होता है, तो इसी तरह ये सेम मिरर रिफ्लेक्ट जो है इसमें रिपीट यूज़ होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि मिस्र के जो लोग हैं, इजिप्शियंस हैं, उनका जो अकीदा है, उनके जो रिलीजियस थॉट्स हैं सारे, उसमें उनके बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जिसमें जो उनके मोटिव्स में यूज़ होते हैं। कुछ मोटिव्स ऐसे हैं जो किसी इलाके की, उनके किसी जगह की निशानदेही करने के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ उनके मोटिव्स ऐसे हैं जो उनके गॉड्स और गॉडेसेस के यूज़ होते हैं, वो उनको उसी तरह एक्सेप्ट करते हैं, अपना गॉड समझते हैं उनको। तो आपको स्क्रीन पे मेरे ये इजिप्शियन मोटिव्स नज़र आ रहे होंगे, इनमें से जो एक वो लाइक जो स्टिक्स पकड़ के खड़े हुए हैं, ये इस तरह के जो सारी शेप्स हैं ये सारे उनके गॉड्स और गॉडेसेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत एज ए मुस्लिम हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल गलत होगा अगर हम उनके गॉड्स और गॉडेसेस को अपने कपड़ों पे बनाते हैं, ठीक है। एक तो अल्लाह के अलावा किसी को गॉड समझना, ना समझना भी, लेकिन उनकी उस चीज़ को बनाना गुनाह का सबब तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस तरह की शक्लें या इस तरह की चीज़ें हमारे
कपड़ों पे बनी होगी तो उन कपड़ों के साथ हमारी नमाज भी कबूल नहीं होगी। लाइक आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया है लेकिन मैंने इसकी आइज़ नहीं बनाई, क्योंकि जब मैंने ये मोटिव बनाए थे तब मुझे इजिप्शियंस की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, हमें बताया भी नहीं गया था कि इन मोटिव्स का क्या मतलब होता है, इन सिंबल्स के कोई इनकी कोई सिंबल्स होती है, ये किसी एज अ सिंबल यूज़ होते हैं। तो लाइक हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर की असाइनमेंट में जब मैंने इजिप्शियंस पे रिसर्च किया था तो तब मुझे ये बात पता चली थी, लेकिन तब भी मैंने जो है ना उससे पहले जब था इसमें ने आइज़ नहीं बनाई। आप अगर कोई शेप बनाते हैं, कुछ उनके ऐसी शेप्स हैं जिनको वो खुदा नहीं मानते लेकिन वो एज अ सिंबल कोई यूज़ होता है, तो इसलिए अगर आप इस तरह की शेप बनाना भी चाहें तो प्लीज़ शक्लें ना बनाएं। और दूसरा ये कि इस चीज़ का ख्याल रखें जो उनके गॉड्स और गॉडेसेस हैं उनको उनका प्रिंट बिल्कुल ना बनाएं। वेल ये थे 7 रिपीट्स जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी असाइनमेंट्स हुआ करती थी, जो जिनको हमने अपने हाथों से पेंट किया, स्केच किया है और ब्रश से ये सारी पेंटिंग हुई है। बड़ी ही नाजुक सा होता था, बहुत ज़्यादा बारीकी का काम था, बहुत बारीक बारीक पेंट करना होता था और बड़ा तहमल मिजाजी के साथ। लाइक लोग होते हैं ना कि जैसे आपका सबसे पहले तो पेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक ज़्यादा थिक भी ना हो ना ही ज़्यादा पतला हो, फिर आपका ब्रश बहुत अच्छा होना चाहिए तो तभी आपकी ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। बोले इसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी बताऊंगी और एक मेरा शॉर्ट्स है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा कि पेंटिंग कैसे करते हैं। एंड वेल ये थे 7 रिपीट्स। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मज़े की चीज़, मेरी मिड टर्म और फाइनल के असाइनमेंट जो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी थीम स्टोरी बहुत मज़े की है। सो वो जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा और उसके लिए आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन अच्छी चीज़ों से, दीन से रिलेटेड बात जो है। चलो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टेक्सटाइल के असाइनमेंट में, एक आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी मोटिव्स बनाए अगर उन मोटिव्स में शक्ल बनाने का आया ना तो मैंने जस्ट उसका शेप बनाया है, मैंने आइज वगैरह ज़्यादा नहीं बनाए। तो आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी पेंटिंग और अपने मोटिव्स बना सकते हैं। वेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी टेक्सटाइल की मिड टर्म और फाइनल असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी और उसके लिए ज़रूर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, see you in the next video, Allah Hafiz. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة.